हमने किसी कॉलेज में एक स्पीच करनी थी, वो डे था, कोई एनुअल डे था, उनका कोई इवेंट था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ चले आप, टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा। जिस तरह सीईओ बैठा है इसका, 9D का ये बच्चा है मेरा, इनके ग्रुप का मैं चेयरमैन थी, सॉफ्टवेयर हाउस है और इनके ग्रुप को गूगल कहता है नंबर वन है, 2 बिलियन इनका यूजर है जी, इसको 450 बंदे इनके पास काम, $32 मिलियन की कंपनी थी, यंग बॉय 27 साल का बच्चा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे साथ ही बैठे और इकट्ठे हम चलते हैं, वो लेक्चर दे के और फीता काट के वापस आ जाएंगे, जी ठीक हो। तो मैं कहा जी मैं अपना ड्राइवर गनमैन सारे छोड़ देता हूँ, तो मैं ही चलाता हूँ, आप बैठे हैं। तो हम बैठ गए और मैं भूल गया जाना कहाँ पर। अब वो मैं गाड़ी चलाऊँ मेरी स्लो, कहते भाई उसी तरीके से जल्दी पहुँचना है। मैं कहता भूल गया जाना कैसे, मैं पहले याद कर लेंगे, एब्सेंट माइंड नहीं होता, लेकिन वर्कलोड ज़्यादा था। और वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने वो शुक्रिया अदा करने के लिए कहा कि ये बड़ी शानदार बड़ी शानदार दिन, जहाँ पर कासिम और ईशा सभी मौजूद। अभी कहा तो मुझे लगा कि मुझे बुला लिया गया, लिहाजा मैं बिल्कुल कह लीजिए कि वो एक बूढ़ा बुजुर्ग जो फिल्म थी उस तरह ऐसे ऐसे चल के आया। और उन्होंने कहा जी आपकी स्पीच नहीं, मैं कहा करवा लें, मैं कहा हूँ आ गए हैं, हूँ नहीं कुछ हो सकता। वो स्पीच कर ली और नीचे उतरा, तो उसके बाद मैं गाड़ी में अब बैठने लगा, तो उन साहब को जो फैसला बात से आए थे, मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैं कहा जी आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, इंशाल्लाह मुलाकात। वो कहना मैं नाल लेके जाता हूँ। गुजारिश ये है कि ये सारी बातचीत का मकसद ये है कि मेरी बुखलाहट की हालत, मैं कहीं से वो ट्रांसपेरेंसी वालों ने लमरा में इवेंट रखा हुआ था, आपके पास आ गए, उसके बाद मैंने फिर किसी जाना है, और उसके बाद मेरे को 2 शाम को सेशन था। अच्छा गुजारिश सर ये है कि दुनिया में जब से दुनिया की आर्मीज बनी है, पूरी हिस्ट्री है दुनिया, 5 मिनट की स्पीच पैसे कोई को देगा ना मेरे बारे में, इसमें रंजीत शाह साहब 4 लाख रुपये लेते हैं ये सिखाने का कि पैसे नहीं कमाने चाहिए। मैं जिसने जुमला पढ़ा मैं सारी लाट होगा, उसकी वजह मेरा रेट ही नहीं है, मेरा कम से कम रेट मिलियन रुपीज है यार। मैं मेरा रेट खराब कर सकते। अच्छा सर, वो दुनिया में जब से आर्मी दुनिया की बनी है, उससे पहले क्योंकि सोल्जर्स की सिमेट्री नहीं थी सर। आप आज भी देखिए, अगर आप आर्मी को समझना चाहते हैं तो आप तालिबान को देख लीजिए, उसमें चेज है कि वो बम बांध के और शहीद हो जाते हैं, चेज है कि वो पहाड़ों में गए और उन्होंने अमेरिका जैसे मुल्क को वक्त डाल दिया। लेकिन आर्मी का टर्म जो है वो एक 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 पूरी तरतीब के साथ एक जैसे लगते हैं, एक परेड होती है, एक प्रॉपर कॉन्वोकेशन होता है, जब पास आउट होते हैं, इवेंट होता है, इनमें कोई ना कोई रिदम होता है, इनकी स्ट्रेटजी होती है। अभी हम उठ के जाएं अगर लोअर के कोर कमांडर के ऑफिस में, तो उसकी टेबल पे साइड पे पूरा प्लान लगाओ, फिर कोऑर्डिनेशन के लोग हों, फिर वो बताएंगे कि जिस रूम में जाने के लिए सेलफोन बाहर है, पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी एंड क्लोज होकर, इवन के खाना खाने के भी आप देखेंगे अगर, तो आर्मी के आदाब बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने वैसे बड़ा पर्सनल एज ए गेस्ट स्पीकर अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान के मैंने, क्योंकि हर इदारे में पढ़ा है, हर इदारे में, तो जितना कुछ मैंने ये मैनर्स में सीखा है, मैनर्स की बात, क्योंकि आप यकीनी बात है मिट्टी पर कुछ लोग इतराज करने चाहिए किसी हक में, जो अच्छी बात है कहीं से लेनी चाहिए, तो मैंने छोटे छोटे मैनर्स सीखे हैं, टेबल मैनर्स क्या है, खाना कैसे है, उठना कैसे है, ये टिश्यू पेपर होता है तो इसको लपेट के नहीं खाएंगा चाहिए, ये नहीं होता जी कोई चीज़, ये आप देखेंगे मैंने जितने टिश्यू पाए उसको प्रेस किया हुआ प्रॉपर, मैंने छोटे छोटे मैनर्स मैंने सीखे हैं। फिर अपने टिश्यू को जाते हुए जेब में डाल देना चाहिए, ये भी एकदम तमीज है, ठीक है, ये भी मैंने सीखी, डस्टबिन उसको फेंक देना चाहिए। तो ये सारे के सारे आर्मी में सिमटी होती है। जब दुनिया में आर्मी बनी तो सर एक हादसा हो गया, इस तरह के हादसे बड़े ज्यादा होते, हादसा ही होता था कि दुनिया की किसी आर्मी ने ये किया कि ये पुल आ गया इनके सामने। उस जमाने में पुल होते थे रस्सियों के और पुल होते थे लकड़ी के फट्टों के, कॉन्क्रीट नहीं दुनिया में आया था, कॉन्क्रीट कॉमन नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है सर, और सरिये का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पुल के ऊपर आर्मी जो है वो पूरी एक परेड करती हुई चली, पुल टूट गया, पुल टूटा और सारे के सारे मारे गए। उन्हें एक दुनिया में नई बात पता लगी जिसको फिजिक्स में आज 8वीं क्लास का बच्चा भी जानता है, और मैं चाहूंगा कि इस मौके पर हम 8वीं क्लास की बात को दोबारा दोहराए। वो बात यह है कि जब भी एक सिमेट्री के साथ एक मखसूस लोगों की मखसूस तादाद अगर अपने फुट को ऐसे मारती, मिलके जरा इधर ही मारनी, छत को कुछ नहीं होता गारंटी, मिलके आप थोड़ा सा पीछे हो जाए सारे, पीछे हो, अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर, पीछे हो सारे, थोड़ा पीछे हो, जब कुछ लोग एक्टिविटी में शामिल नहीं होते, मैंने बातें भी देखना है सर, उसे अपने एंजॉय करो, 1 2 एक एक काम उठो, तो दोनों उठो, दोनों कौन रहा नहीं है सर, थोड़ा सा पीछे करें, घुटना आ जाएगा, 1 2 3 अगेन, You feel that energy. You feel a rhythm.
स्वाद आ गया सोया। क्यों? एक सिमेट्री थी। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि अगर हम इस तरह घंटा करते रहे ना, इस लैंटर को डैमेज जरूर आएगा, नहीं तो कम से कम टाइलें काशिफ साहब को चेंज करनी पड़ेगी। सर होता ही है दुनिया में, दुनिया में जब भी एक बात एक कहता है तो उसका असर कोई नहीं होता। जब भी कोई एक बात कहता है और वो सब कहने लग पड़ते हैं तो मसला पड़ जाता है। ये असेंबली पास है। उस जमाने का फेसबुक, उस जमाने का ट्विटर, उस जमाने का सोशल मीडिया क्रैकर फाड़ के पोस्टर पहनना था। ये पास है हमारे यहां पर शादमान चौक, यहां पर फांसी दी गई थी भगत सिंह को। सर हम तो बड़े जालिम है, हमने तो अपनी हिस्ट्री को भी हर चीज के जबरदस्ती खत्म कर देते हैं। हमारा बस नहीं चलता यकीन करें। वो एक साहब ने, उनकी जोजा माजदा ने नमाजें ज्यादा पढ़ना शुरू कर दी, उनका बहुत अच्छा, लेकिन बीबी तेरी दाढ़ी कोई नहीं है। अल्लाह के बंदो, किस किस चीज को हम जबरदस्ती इस्लामी करेंगे? वो हिस्ट्री को मानो, आपके ये वो बागी थे जिनके बगैर आजादी मुमकिन नहीं थी। क्यों धक्के के साथ हर चीज को हम, अब मोबाइल को इस्लामी करके दिखा दें। आप गाड़ी में आए जापानी और इस्तेमाल कर रहे हैं आप अमेरिकन फोन्स, और लगाया हुआ क्रीड और बटन हम बना नहीं सकते, और गालियां निकाल रहे हैं, ये गलत है। और सर इलम इलम होता है, फायदे में इस्तेमाल हो इलम नाफे होता है, गलत इस्तेमाल हो तो जुर्म होता है। तो उन्होंने पता किया कि ये बेसिकली फिनोमेना क्या है। उन्हें पता लगा एक बात एक बंदा जब कहता है और वो बात सब कहने लग पड़े तो प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो भगत सिंह ने पोस्टर पकड़े, क्रैकर फेंका, मूवी निकाल के देखे, कम से कम मूवी तो देख लें, और ऐसे पोस्टर फेंक के उस वक्त पूरी दुनिया की अखबारों में वो पोस्टर चला गया, क्योंकि वो पोस्टर एक वाक्य के साथ। मैं अगर यहां पर रेमंड डेविस कहूं तो आपके जहन में यूसुफ ओजला साहब आ जाएंगे, जज थे। मैं आपको गुलू भट्ट कहूं, मैंने एक दफा कहा था, तो फौरन एक इवेंट आता है। बस वक्त एक इवेंट जो होता है वो पूरी पहचान होता है, पूरी देख के चारों को बता देता है। उस जमाने में ये इवेंट कि क्रैकर फटा है और पोस्टर फेंके गए हैं, ये छोटा इवेंट नहीं था। और यहां से एक तहरीक शुरू होती है और तहरीक ताकत पकड़ती है, और जिसके हम भी बेनिफिशियरी और हमें भी अलहदा मुल्क मिलता है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जो मुजाहिद होता है, जो जज्बे वाला होता है, वो ना मुसलमान होता है ना हिंदू होता है, उसका मिशन होता है। अगर आप सब यहां पर बैठे हैं और आपके पास बिजनेस की पावर है, आपके पास आप टैक्स देते हैं मुल्क चलता है, आपके पास चैंबर की पावर है, खुदा के लिए पहले तो यूनिटी हो, पहले तो वन गोल वन एजेंडा तो डन करें ना सर। आपको मैं बड़ी खुली बात कह रहा हूं, इन कमिश्नर्स को मैं पढ़ाता हूं, इस डॉट में मैं कई सालों तक पढ़ाता रहा, इनकी खूबियां अपनी जगह पे हैं, इनके चैलेंज अपनी जगह है। ये सिस्टम के मसाइल है, बंदों के मसाइल नहीं है, इस सिस्टम में बड़े फॉल्ट हैं। मैं आपको एक पावर बता रहा हूं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आप, मैं, हम सब एक एजेंडे पे मुत्तफिक होते हैं, एक एजेंडे पे। मैं, मेरे पास तो इख्तियार है, मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाऊंगा, लेकिन अगर आप सब हम इकट्ठे हो जाएं और एक एजेंडा को सिर्फ लेकर चले, सारे मसले सर इकट्ठे नहीं होते। सर मां देवी छह पुत्र होना, तो एक कहना है अम्मी डबल रोटी, दूजा कहना है आंडे, तीसरा कहना हलवा, चौथा कहना है पिंडी। मां कहती पुत्र एक एक गल की गल करो। सर वन एजेंडा, वन एजेंडा एंड द थ्योरीज, द वन थिंग। किताब का नाम है दीवान सिंह सर, मैं रिकमेंड करूंगा आप पढ़ने लिखने वाले लोग इस किताब को जरूर। कैरी गैलर की बुक है गालिबन, इसकी ट्रांसलेशन मैंने किया, यही साथ जमहूरी पब्लिकेशन है, उन्होंने इसको प्रिंट किया हुआ जीत की जानिब के नाम से। वो कहता है जो दुनिया में एक काम पकड़ते हैं और एक काम के फिर पीछे पड़ जाते हैं, फिर उसी के साथ सोते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ जीते हैं और फिर उसको अचीव कर जाते हैं, कमाल के लोग वही होते हैं। प्रॉब्लम उनके साथ होती है जिनके दिमाग में विंडो ज्यादा खुली हुई, फिर वो कुछ भी नहीं कर सकते। आप कोई वन एजेंडा बनाए और मिल के सारे दोबारा करें, वन टू नहीं रेडी नहीं, ये मसला हमारा, हम रेडी नहीं है। वन टू इतना सा काम करना सर, आपको वन लाइनर न बनाए, उसको ले जाए सर, और मैं फिर आपको कहूंगा उसको इन्फ्लुएंसर के जरिए करें। सर बिजनेसमैन ना डरता है, कहना मैं क्या अगली बार नोटिस मंगवा लेना, उसी ओदे जरिए कलाओ जिन्हें नोटिस आया वो खोद लेगा। हदीस सुना के, हदीस का मफहूम सुना के बात खत्म करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफहूम है हदीस, दो हो तो एक को मान लो, एक को चाहिए दूसरे के फिर पीछे लग जाए, पहले के पीछे दूसरा लग जाए, तीन हो तो एक को मानो, दो उसके साथ चल पड़े, मफहूम है।
एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं, चार और तीन एक को मान लें, सर चैम्बर है तो एक को मान लें। प्रॉब्लम तब होती है कि हम सारी जिंदगी, मैं तो इसे 80% दुनिया में ना जी, जो हमारी बहनें हैं, हमारी बीवी हैं, बेटी है, फीमेल, सर यकीन दुनिया की 80% की रिसर्च है, ये सूट खरीद के घर आके कहने या नहीं आने सही की। मैं वो तमाम मेंबर्स को रान होना जरा कहना नहीं है प्रेसिडेंट से नहीं का, सर माफी लन में कहना है मर्दों की पहचान ही नहीं हुई। मेल होता है वो डन करता है, डिसाइड करता है और चल पड़ता है, फिर देखी जाती है, ये मर्द का स्टाइल ही नहीं होता कि घर ले आके सूट नहीं जी आनी चाहिए, ऐ तो आप तो हो गया मेरे नाल, ऐ तो मैं लेना नहीं सी, उस टाइम पे बोतल आ गई सी। सर जिसने डिसाइड करना होता है यही वजह है। मैंने कोई थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी शेख साहब को, मैं कहता हूँ शेख साहब ऐ भेज दियो, आई नो कंफ्यूजन, ये क्या भेजना है मुझे, क्या चाहिए भाई जाने ना, मुझे चैम्बर से काम है, मैं कहूंगा काशिफ साहब ये कर दें, रिक्वेस्ट है, हो सकता कर देंगे, नहीं हो सकता नहीं करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं हुआ मैं। तो सर डिसाइड करने के बाद इमाम की अताअत जो है वो आप सब पे वाजिब हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया।